एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों से। आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में 4500 करोड़ का योगदान देगा। इस योगदान से भूटान आर्थिक रूप से सक्षम होगा। इसके अलावा भूटान सरकार अपने देश में रुपे कार्ड को भी लागू करेगी। आपको बता दें, लोते शेरिंग की ये पहली विदेश यात्रा है। आज कांग्रेस ने अपना 134वां स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस अवसर पर झंडा फहराया। इसके अलावा राहुल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ केक भी काटा। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद के अलावा कई और नेता भी शामिल हुए। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 2020 तक गंगा पूरी तरह से साफ हो जाएगी और अगले साल मार्च तक गंगा को 70 से 80 फीसदी तक साफ कर लिया जाएगा। गडकरी दिल्ली में यमुना की सफाई को शुरू किए जा रहे 11 प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। नमामि गंगे परियोजना के तहत दिल्ली NCR के 22 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली यमुना की सफाई की जानी है, क्योंकि यमुना गंगा की सहायक नदी है और यमुना का काफी कूड़ा गंगा में पहुंच जाता है। मुंबई के चेंबूर की सरगम सोसाइटी की 14वीं मंजिल पर देर रात दो फ्लैट्स में भयंकर आग लग गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है, आग पहले एयर कंडीशनर में लगी, उसके बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। इस दौरान आग बुझाने पहुंचे दमकल के कर्मचारी भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में क्रिश्चियन जेम्स मिशेल की एक चिट्ठी पुलिस के हाथ लगी है, जिसमें कहा गया है कि मिशेल ने सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनाया था। इसके अलावा चिट्ठी में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मिशेल को डील से जुड़ी सभी जानकारियां प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रही थी। फरीदाबाद में कल देर रात एक चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई। हालांकि इसमें बैठे माँ और बेटे ने कार से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। दोनों वल्लभगढ़ से ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ अपने घर लौट रहे थे, तभी सेक्टर 8 बाईपास रोड पर अचानक उनकी गाड़ी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक गाड़ी आधी से ज्यादा जल चुकी थी। आग कैसे लगी, इसका अभी पता नहीं चल सका है। उत्तर प्रदेश के घोसी से बीजेपी के सांसद हरि नारायण राजभर ने भगवान राम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अयोध्या में घर दिलाने की मांग की है। इस मांग को लेकर उन्होंने अयोध्या के जिलाधिकारी को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में लिखा है, मोदी सरकार चाहती है देश में कोई भी शख्स बिना छत के ना रहे। प्रभु राम तिरपाल में है जहां उन्हें ठंड लगती है, ऐसे में उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलना चाहिए। आपको बता दें, राम मंदिर का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर 4 जनवरी को सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के संगमनेर में स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की बस खाई में गिर गई। इस घटना में 10 स्कूली बच्चों समेत 25 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है, पहाड़ पर चढ़ाई करने के दौरान बस ने अपना संतुलन खो दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के ब्रिटानिया चौक के पास बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मार दी। घायल को भगवान महावीर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है, 50 साल के विनोद गर्ग का दिल्ली के लॉरेंस रोड पर कारोबार है। जिस दौरान यह घटना घटी, वो स्कूटी पर कहीं जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनके सीने में गोली मार दी। घटना के बाद कारोबारियों ने केशवपुर अंडरपास के पास पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। झारखंड के रांची में एक IPS अधिकारी के बेटे ने खुद को गोली मार कर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है, तदाशा मिश्रा के बेटे अत्रिदेश मिश्रा ने बैंगलोर जाते वक्त बॉडीगार्ड से सर्विस रिवॉल्वर मांगकर सीने में गोली मार ली। उसे मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली क्यों मारी, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। मंजीत सिंह के मुताबिक फिरोजपुर में पंजाब रोडवेज में पनबस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर शहर के बस स्टैंड पर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस बारे में प्रधान रेशम सिंह ने कहा कि लंबे समय से काम कर रहे लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा है, हम चाहते हैं उन्हें पक्का किया जाए, नहीं तो आने वाली 8 और 9 जनवरी को पंजाब में बसों का चक्का जाम होगा।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਏ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਣਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਆ ਇਹ ਗੇਟ ਰੈਲੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 17 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਅਸੀਂ 8 ਤੇ 9 ਤਰੀਕ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਗੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਣਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਲਟਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2007 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2019 ਦੇ ਆਗਾਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 8 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਜੇ ਰਾਠੌਰ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮੇ ਛੋਟਾ ਕਾਸ਼ੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਿਵ ਕੀ ਨਗਰੀ ਗੋਲਾ ਗੋਕਰਨ ਮੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੀਲ ਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੇ ਸ਼ਿਵ ਭਕਤ ਗੰਗਾ ਕਾ ਜਲ ਲੈ ਕਰ ਪੈਦਲ ਔਰ ਲੇਟ ਕਰ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕਰ ਉਨਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮਾਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸ਼ੰਕਰ ਕੀ ਐਸੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸੇ ਲਾਖੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਸਾ ਦਿਆ ਥਾ ਮੂਰਤੀ ਕਾ ਸਰ ਗਹਿਰਾਈ ਮੇ ਦੇਖਨੇ ਮੇ ਨਜ਼ਰ ਭੀ ਆਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਸਾਵਨ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਗੋਲਾ ਗੋਕਰਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਯਹਾਂ ਸਭੀ ਧਰਮੋਂ ਕੇ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਲੇ ਮੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸੰਜੇ ਰਾਠੌਰ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਭੀਰਾ ਕੇ ਪਾਸ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੁਆ ਜਿਸ ਮੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਹਿਰ ਕੇ ਪਾਸ ਬਨੇ ਰੋਡ ਪਰ ਆਇਆ ਤਭੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰੱਕ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਾਈਕਲ ਮੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦੀ ਜਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਈਕਲ ਟਰੱਕ ਮੇ ਆਗੇ ਫਸ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਚਿੱਲਾਤਾ ਰਹਾ ਲੇਕਿਨ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਨੇ ਪਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਪੀਡ ਔਰ ਬੜਾ ਦੀ ਜਿਸਸੇ ਬੱਚੇ ਕਾ ਸਿਰ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦਬ ਗਿਆ ਘਟਨਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਸੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਘਟਨਾ ਸੇ ਗੁੱਸਾਏ ਲੋਕੋ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਆ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾ ਕਰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਇਹ ਜੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁਆ ਕੈਸੇ ਕਿਆ ਹੁਆ ਸਰ ਯਹਾਂ ਹਮ ਤੋ ਥੇ ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਯਹਾਂ ਰੋਡ ਸੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹਾ ਥਾ ਐਸੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਟਰੱਕ ਆਈ ਪੀਛੇ ਔਰ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਆਗੇ ਐਂਗਲ ਮੇ ਫਸ ਗਿਆ ਚਿੱਲਾਤਾ ਰਹਾ ਯਹਾਂ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਿੱਲਾਤਾ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੀਛੇ ਭਗਤੇ ਰਹੇ ਉਸ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਗਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਉਸ ਪਰ ਉਹ ਤੋ ਉਸਕੋ ਭਗਾ ਦਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸਕੋ ਭਗਾ ਦਿਆ ਹਾਂ ਭਗਾਈ ਦਿਆ ये जो है बच्चा कहाँ पढ़ता था कहाँ का रहने वाला है यहाँ विवेकानंद में पढ़ता था क्या नाम है इसका इसका नाम सूर्या और पिताजी के इसका क्या नाम है सुनील सिंह कहाँ का निवासी है पौथे बरवा कितने वर्ष का था करीब 12 वर्ष का था 10-12 वर्ष बच्चा कैसे आता था स्कूल को पहले तो मैजिक से आता था अब जो है इस साल जो है साइकिल से आया साइकिल से आता था साइकिल से जाने माने अभिनेता कादर खान के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है ये जानकारी उनके बेटे ने दी है सरफराज ने बताया वो दिमाग की बेहद गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे अब उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है इस बीमारी का नाम प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पॉलिसी डिसऑर्डर है आपको बता दें 81 साल के कादर खान कनाडा में अपने बेटे के साथ रहकर अपना इलाज करा रहे थे उन्हें आखिरी बार 2015 में आई फिल्म दिमाग का दही में देखा गया था इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही आप देखते रहिए A1 न्यूज़ TV नमस्कार